हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आईफोन XR का आईफोन 13 के साथ कंपैरिजन टेस्ट करेंगे, वो भी 17.4.1 के नए स्टेबल अपडेट में। ये जो अपडेट है इन दोनों डिवाइसेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी आपको परफॉर्मेंस इन दोनों डिवाइसेस पे देखने को मिलने वाली है, और साथ में बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप आपको कैसा देखने को मिलेगा अगर आप इस नए लेटेस्ट अपडेट को इन दोनों डिवाइसेस पे अपडेट करते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप इन दोनों अपडेट्स का साइज डिफरेंस चेक कर सकते हो दोनों के दोनों आईफोन्स में। जो आईफोन 13 है उसमें आपको 377.5 मेगाबाइट्स देखने को मिल रहा है साइज अपडेट का, और साथ में आईफोन XR पे 305.4 मेगाबाइट्स इसका साइज है। दोनों के साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट इस अपडेट में कोई भी नया फीचर एप्पल ने इंक्लूड नहीं करा है, बस इंपॉर्टेंट बग्स को फिक्स करा गया है, जैसे कि एयर ड्रॉप से रिलेटेड और वाईफाई ब्लूटूथ और साथ में बैटरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बग्स फिक्स करे गए हैं इस अपडेट में। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों डिवाइस काफ़ी बढ़िया हैं। इन दोनों डिवाइसेस में कोई भी आपको लैगिंग और क्रैशिंग इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। एप्लीकेशंस को ओपन करने की स्पीड भी दोनों आईफोन्स पे काफ़ी बढ़िया है। बेशक यहाँ पर आईफोन 13 थोड़ी सी पहले अपनी एप्लीकेशंस को लोड कर देता है, तो थोड़ी देर बाद आईफोन XR भी ओपन कर देता है, बट दोनों आईफोन्स में आपको कोई भी क्रैशिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस डिवाइस की दोनों की बैटरी हेल्थ के बारे में। बैटरी हेल्थ कहीं ड्रॉप तो नहीं होगी अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को अपडेट करते हो। तो यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं इस अपडेट को यूज़ करते हुए दोनों डिवाइसेस पे, तो 2 दिन बाद भी आप देख सकते हो दोनों की बैटरी हेल्थ अभी तक ड्रॉप नहीं हुई है। तो पहले वाले अपडेट में आईफोन 13 की 94 थी, 1% पहले ही ड्रॉप हो चुकी थी, उसके बाद 93 अब आपको देखने को मिल रही है। इस अपडेट में अभी तक तो बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुई है, 2 दिन हो चुके हैं। उसके बाद जो आईफोन XR है उसके ऊपर 84% बैटरी हेल्थ शो कर रहा है, तो इसकी भी बैटरी हेल्थ जरा से भी ड्रॉप नहीं हुई है। बट जो बैटरी बैकअप है दोनों डिवाइसेस में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। जो आईफोन XR है उसका जो बैटरी बैकअप है इतना बढ़िया नहीं चल रहा है इस नई लेटेस्ट अपडेट में भी। यहाँ से आप देख सकते हो दोनों के ग्राफ में कितना डिफरेंस है। रात के टाइम पे जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, आईफोन 13 का ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है बैटरी का। दूसरी साइड जो आईफोन XR है उसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर डिक्रीज ही हुए जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि रात के टाइम पे ये बैटरी को ड्रेन करता है आईफोन XR इस नए अपडेट में भी। तो बैटरी ड्रेन का इशू आपको आईफोन XR पे देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ एप्लीकेशंस मैं अपने इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कोई भी गेमिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन मैं नहीं यूज़ करता हूँ इन दोनों डिवाइसेस पे। नॉर्मल से यूजेज है, वीडियोस को शूट किया, एडिट किया, बस यही थोड़ी सी यूजेज है इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर। और साथ में यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेटवर्क्स की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है। तो नेटवर्क्स आप देख सकते हो कई बार मेरे दोनों डिवाइसेस में जो नेटवर्क्स हैं आपको 1-2 सिग्नल्स ही देखने को मिलने वाले हैं, कभी कभी यहाँ पर फुल सिग्नल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और वाईफाई से रिलेटेड कोई भी अब आपको इशू देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्हीं इशूज़ को फिक्स करने के लिए एप्पल ने ये नया लेटेस्ट अपडेट जो है वो एप्पल यूजर्स को प्रोवाइड करा है 17.4.1 के अपडेट का। तो गाइस यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और जो बात करें आईफोन की स्टोरेज में कोई बग्स तो नहीं है, तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज दोनों डिवाइसेस ने सेम टू सेम यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है। तो सिस्टम डेटा आप दोनों डिवाइसेस का देख सकते हो, सिस्टम डेटा आईफोन 13 का है 6.42 GB और साथ में आईफोन XR का है सिस्टम डेटा 5.47 GB। बट यहाँ पर कोई भी स्टोरेज से रिलेटेड बग्स देखने को नहीं मिलेंगे इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर। और यहाँ पर बात आती है इन दोनों में हीटिंग इशू है या नहीं, हीटिंग इशू नहीं है इन दोनों डिवाइसेस में। हीटिंग इशू जो है वो कब देखने को मिलता है, हीटिंग इशू जो है वो तब देखने को मिलता है जब आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो अपने डिवाइस को, गेमिंग काफ़ी समय तक करते रहते हो उस टाइम के ऊपर, और साथ में जब आप अपने डिवाइस को फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो, इन सभी केसेस में ये हीटिंग इशू प्रोवाइड होते हैं अपने डिवाइसेस के ऊपर, वरना कोई भी हीटिंग इशू नहीं आता है। और साथ में चार्जिंग भी दोनों डिवाइसेस की काफ़ी बढ़िया चल रही है, बहुत ही परफेक्टली ये दोनों डिवाइस चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं है कि 80% के ऊपर आकर ये दोनों डिवाइस स्टक हो जाते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं चल रहा है इन दोनों के दोनों डिवाइसेस में। ओवरऑल जो रिव्यू है इन दोनों डिवाइसेस में 17.4.1 के अपडेट का वो काफ़ी बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।